धरा क्रांतिकारी ऊधम सिंह उर्फ जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन गजल में कहना बा गुरुजी, आदरणीय परम पूज्य परम सद्भय लाल बहादुर यादव चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का महान पुरस्कार के आशीर्वाद के प्रति प्रेम चाबा। आदरणीय सराय चौहान पिताजी का नाम मोतीलाल, चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का महान पुरस्कार पांचों के आशीर्वाद के चाबा। अस्तब भयन से एक स्वर में नमस्ते प्रणाम बा, जोहरी में कहना बा गुरु।
आदरणीय आपू पारसनाथ केवटक पुरवा भैया जी की तरफ से 101 रुपए का महान पुरस्कार पांच हो के आशीर्वाद के चाहवा बा अस्तब भयन से 101 में नमस्ते प्रणाम बा। लाल बहादुर आदरणीय परम पूज्य परम सद्य राम कैलाश यादव केवटक पुरवा चाचा जी की तरफ से 101 रुपए का महान पुरस्कार पांच हो के आशीर्वाद के चाहवा अस्तब भयन से 101 में नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो बा। आदरणीय परम पूज्य परम सद्य श्री वीरेंद्र कुमार यादव हेमापुर हेमापुर की धरती से हेमापुर की धरती से भैया जी की तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार पांच के आशीर्वाद की प्रतीक्षा चाबा सब भैया से 101 में नमस्ते प्रणाम सभी और ले लो पैसा अगर कोई गलती होई जाए बोल में पैसे दे फिर से बोलवाई ले पैसा ला बगल से मां या फिर फ्री में समय के लिए हेलो आदरणीय परम पूज्य परम सद्य लाल बहादुर यादव डेरी वाले छोटा चौहान की पुरवा उनके छोटे भाई की तरफ से भैया जी की तरफ से 50 रुपए का महान पुरस्कार लाख लाख आशीर्वाद के चाबा और भगवान करे उनके डेरी ऐसे खूब बढ़िया चलत रहे। उस समय की बात है एक बार जनरल बोर्ड वायर डायर जो लंदन का रहने वाला था एक बार अपने भारत में वो बोला मैं मीटिंग करूंगा और भारतवासियों की सारी बातें सुनूंगा जो मेरे करने लायक रहेगा मैं वो करके दिखाऊंगा। ऐलान करवा दिया। इधर जब मीटिंग जुटी जितने भी लोग गए उस मीटिंग को सुनने अपनी बात बताने लेकिन आगे होता क्या है गुरुजी भी दसिया के भाव में बाबूजी और डायर बोला मैं मीटिंग करूंगा और सारे भारतवासियों की मैं सारी बातें सुनूंगा
और जो मेरे करने लायक रहेगा मैं करूंगा। लेकिन वो गोरा बेईमान मीटिंग के बहाने जलिया वाले बाग में चारों ओर से दीवार बनी थी, उसी दीवार के अंदर बोला मैं मीटिंग करूंगा और वहां पे सारे भारतवासी गए, सब लोग वहां पे मीटिंग सुनने गए। लेकिन ओ पापी पहले से वहां पे गोला बम बारूद लगा दिया था कि जितने भी भारतवासी हैं सब इसी में मर जाएंगे। आदरणीय परम पूज्य परम सिद्ध शिवम यादव पुत्र सुरेंद्र यादव सुजनी ढा खुशी चेकर एजेंसी भैया जी की तरफ से सीटी बंद करा यार, सीटी 100 रुपए का महान पुरस्कार पांचों के आशीर्वाद की प्रतीक्षा एवं चाबा सबसे नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। जब सब लोग उस मीटिंग में सुनने गए तो गोला बम बंदूक चला दिया, जितने भी लोग वहां पे सुनने गए थे सब मारे गए। लेकिन उसी में संगारू जिले के मदन गोपाल, संगारू जिला के मदन गोपाल भी मीटिंग सुनने आए थे, हुए शहीद वहां पे बेटे को संग में लाए थे। छोटा बेटा घर था उम्र 7 साल रही, उधम सिंह जिसका नाम रहा शेरो जैसी चाल रही। बाबूजी उसी मीटिंग में मदन गोपाल भी उस मीटिंग को सुनने गए थे। मदन गोपाल के 2 पुत्र थे, छोटे बेटे को घर पे छोड़ के और अपने बड़े बेटे को उस मीटिंग में लेके गए थे। लेकिन उस मीटिंग में मदन गोपाल और उनका बड़ा बेटा भी शहीद हो गया। लेकिन गुरुजी तर्ज आगे भोवा का घर मालिक धर्मपाल यादव जी, आदरणीय आप घर मलिकार आदरणीय आप श्री धर्मपाल यादव दादाजी की तरफ से 100 रुपए का महान पुरस्कार पांचों के आशीर्वाद के चाबा 100 में सबसे नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। झगड़ा कर लिए उधम सिंह, तो लड़के जितना रहन का ने उधम, अगर इतना बहादुर तू बना था तो जाए पहले अपने बाप और भाई बदला कहा ना लेते। इतना बात जब उधम सिंह सुनते हैं तो चौंक जाते हैं कि यार हमरे भैया के हमरे पिताजी के मारे रहा, कैसे उनका मौत भा। तुरंत बाबूजी उधम सिंह को दिल पे बात लग जाती है और रोते रोते अपने घर जाता है। लेकिन तर्जला गुरुजी कैसे अगर चक्कर आई जाते हैं संभाल ना कहते हैं, वैसे वो एक मेहरारू रही ओकर मन से तू बहरे कमाई जाता रहे ते मेहरारू का ये जी
और बात माना तू कुल जाया लेकिन एक जगह जिन जाया है चाहे घूमंग मेरा भी बड़ी खतरनाक होती तू मेरा रूप अपने मन से दुख समझावत का कहे गुरुजी सच सच बताओ पड़े कि बाबू और भाई की मृत्यु कैसे भा
के मारी थी। तब इतने में वो धम के महतारी रोए लग कि ए बेटवा ए हमर लाल। एक समय की बात है, 13 अप्रैल 1919 में जलिया वाले बाग में डायर बोला मैं मीटिंग करूंगा और जितने भी भारतवासी हैं सबका मैं बात सुनूंगा, जो मेरे करने लायक रहेगा मैं उनके लिए करूंगा। उसी मीटिंग में तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा बड़ा भाई भी गया था और बंदूक चलवा दिया, जितने भी लोग गए थे सब शहीद हो गए। लेकिन दूसरे बंद में महतारी करत का गुरु जी बाबूजी भी मीटिंग सुनने गए थे और गोरा बेईमान दोनों का गर्दन काट लिया। जब तन्नी ये सुना था उधम बाबूजी तो उसके दिल में आग जलने लगी और बोला मैं बदला लूंगा, मैं उस टायर को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आगे होता गुरुजी तर्जला चुकाऊंगा। उधम सिंह अपने मातारी से कहत का कहे गुरुजी ही कि हम अरे बोला बास्ता मनाबाऊ पाऊंगा। मैं जाऊंगा लंदन, उस डायर को मैं खोज के मारूंगा। कहे माई जोन तहर सिंधुर उजार दी
सात साल की उम्र में हमरे हमसे हमार पिताजी छीन ले, हमार बड़ भाई छीन ली, ओके हम ना छोड़ा भी। पहले बंद में तहन का गुरुजी से अदनिया परम पूज्य परम सद्धे रामू और श्यामू भैया जी की तरफ से 100 रुपए का महान पुरस्कार, लाख लाख आशीर्वाद के प्रति क्षय चाबा सब भैया से एक स्वर में नमस्ते प्रणाम बा। महतारी रोए कहे कि ए बेटवा तू अभी सिर्फ 13 साल के है, कैसे लंदन जाबा केल, कैसे बदला छुपाऊ ब्याह। महतारी रोवत है कि ये बेटा जाने दो, जो हुआ उसे जाने दो, अब बदला लेने से तुम्हारे भैया और पिताजी नहीं है वापस आएंगे। ललकार के कहता है माँ अपने बेटे को इतना कमजोर समझती हो, आशीर्वाद दो माँ मैं बदला लेकर आऊंगा तब तेरी में कहना बा गुरु जी। उधम सिंह अपने माई के समझावा था तो उसकी माँ करती क्या है, अरे दिया आशीष माँ ने, अरे दिया आशीष माँ उधम को खून का तिलक लगाई है, मार के आना डायर को क्रोध में वचन सुनाई है। सत्यनारायण यादव असमा की धरती से आदरणीय परम पूज्य परम सद्धे सत्यनारायण यादव असवा की धरती से भैया जी की तरफ से 101 रुपए का महान पुरस्कार, 5 के आशीर्वाद के चावा, एक स्वर में नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। मैं कहती है बेटे जाओ, मैं आशीष देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, जाओ तुम पैर को मार के आओ, अगर नहीं मार पाए तो वापस भी मत आना। तो तर्जला गुरु अरे तनवा
बाबू जी उधम सिंह करते क्या है। आशीर्वाद लेके निकल जाता है लंदन के लिए, लेकिन लंदन जाने से पहले एक नरम दल एक गरम दल रहा, जाके गरम दल में शामिल हो जाता है। और जितने भी सदस्य गरम दल के थे वो बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम आपको गरम दल में शामिल करेंगे। उधम सिंह बोले क्या करना पड़ेगा, कहन अपने शरीर को मांस काट के दिया, तार परीक्षा ली जाए ताकि तोरे कोनो शरीर में कोनो बीमारी तो नहीं ना, डॉक्टरी होई। लेकिन पहले बंद में भवा का गिरी थी, मासिया कटा के दिया ले पीर परी, उस गर्म दल में परीक्षा देता है, अपना मांस काट के देता है और उस परीक्षा में पास हो जाता है, गोली चलाने की शिक्षा मिलती है उनको, उसमें भी वो पास हो जाता है। जाके गर्म दल के जितने भी सदस्य थे बोले ये उधम जाओ जाओ अपने माँ के दूध में कर्ज उतार के आओ, तुम्हारे पिताजी को मारा, तुम्हारे भाई को मारा, जाके बदला लेके आओ, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन दूसरे बंद में होत का गुरुजी, जाननी के दूधा बाके लाजिया बचावे, वाले उनके बड़े भाई लाल बहादुर यादव केवटक पूर्ववासी, चाचा जी की तरफ से 50 रुपए का महान पुरस्कार, पांच होते आशीर्वाद के चायों पर दीक्षा। सत्यनारायण यादव असवा जंघई की धरती से आदरणीय परम पूज्य परम सद्य श्री सत्यनारायण यादव यादव असवा जंघई की धरती से असवा
जंघई हाँ जंघई की धरती जंघई की धरती से चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का मान पुरस्कार 5 फुट के आशीर्वाद के चावा और 1 साल में सबसे नमस्ते प्रणाम स्वीकार आदरणीय आप देवेंद्र यादव देवेंद्र चौहान देवेंद्र मौर्य भैया जी की तरफ से 50 रुपए का महान पुरस्कार 5 फुट आशीर्वाद के चाय एवं प्रतीक्षा बा एक बार में सबसे नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो जितने भी गरम दल के सदस्य थे बा बोला जाओ बेटा जाओ तुम बदला लेकर आओ सब लोग तुम्हारे साथ में हैं तब पहपट के भाव में कहना बा गुरु जी तैयारी कर लिए लंदन जाने के लिए तैयारी तो कर लिए लेकिन ना तो डायर को कभी वो देखा था ना पता जानता था कुछ भी उसे मालूम नहीं था लेकिन कहना बात नहीं थी अरे पता ठिकाना कुछ ना मालूम से कौनो पहचान न डायर के कबूत देखे रहन न जानत रहन लेकिन एक दिन बाबूजी ऐसे उधम सिंह चाय की दुकान पे बैठ के चाय पियत रहन तो पेपर पे नजर पड़ गया पेपर पे नजर पड़ गया पेपर उठाए जब पढ़त हैं तो ओमे लिखा रहा कि डायर लंदन में मीटिंग करने वाला है पूरा दिनांक सहित डाल उठा उसमें कि इसी दिन डायर मीटिंग करेगा जब इतनी बतिया बाबूजी उधम सिंह के पता चला था तो उधम सिंह बहुत खुश होता है कि मैं अब बदला ले लूंगा दूसरे बंद में करेक्ट कह दिया उधम सिंह खुश हो के उस समय की इंतजार करने लगा ओहो जुआ लगाने लगा अल्लाह ने कहना आदरणीय अब विजय म्यूजिक विजय यादव कैथोली मुगराबाद शाहपुर भैया जी की तरफ से 101 रुपए का महान पुरस्कार छोटे आशीर्वाद के चावा एक स्वर में सब भैया से नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो चोरा बन के भावे जैसे राती
परम पूज्य परम सद्य श्री आपू उमा शंकर यादव चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का महान पुरस्कार 5 हो के आशीर्वाद के चाबा एक जन्म स्तब भैया से नमस्ते प्रणाम सो बाबू जी धीरे धीरे उस मीटिंग का दिन करीब आते गया बेसब्री से उधम इंतजार करते हैं कितनी जल्दी टाइम आई जाए और हम बदला ले ली उस मीटिंग में तमाम लंदन के लोग जुटे जितने भी लोग थे और जो संचालक वहां के थे संचालन जो करते थे धीरे धीरे सबका नंबर आया उसके बाद डायर का भी नंबर आया जैसे डायर के नंबर आए डायर लगन मैक जैसे पकड़े न हाथ में जैसे कुछ बोले चले तब तक बीचे मुधम सिंह बैठे रहे अपन निशाना साध लेन और साध तुरंत गोली चलाए देन और जैसे गोली चला डायर तुरंत मंच पे गिर गया और जैसे मंच पे गिर गया भगदड़ मच गए सब लोग भागने लगे लेकिन उधम सिंह मार के भगा नहीं वहीं पे खड़ा रहा लेकिन जो लंदन के सिपाही थे जाके उधम सिंह को पकड़ लेते हैं और हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं लेकिन खड़ी में कहना बा गुरु पहना कर ले जाकर जेल में बंद कर दिए जेल में बंद करके धारा 302 लगा दिए और ले जाके अदालत में पेश किए आगे होत का गुरुजी कोर्ट के अंदर जज जी के गूंज रही थी बोली रवि यादव जिला पंचायत सदस्य बादशाहपुर की पावन धरती से भैया जी की तरफ से 100 रुपए का महान पुरस्कार 5 रुपए आशीर्वाद के चाबा एक स्वर में सब भैया से नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो जब उधम को उधम के ऊपर धारा 302 लग जाता है उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तब जज वहां के जज जो थे उधम से सवाल करते हैं कि ये उधम तुम डायर को गोली क्यों मारे जब तन्नी बतिया सुने उधम तो गरज के बोलते हैं कि ये जज साहब हम बता रहे हैं किस लिए वो डायर को गोली मारे अरे कहा उधम चलिया बाग के अंदर गोली क्यों चलवाया हो हजारों निर्दोष लोगों की मौत के नींद सुलाया हो
आदरणीय आपू परम पूज्य परम सद्य श्री आपू संजय यादव केवटक पूर्वा भैया जी की तरफ से 100 रुपए का महान पुरस्कार, 5 के आशीर्वाद की चाबा, एक स्वर में सब भैया से नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। उधम कहे 13 अप्रैल 1919 में हमारे भारत में जब मीटिंग हो रही थी तो डायर उसने गोली क्यों चलवाया था, कितने निर्दोषी लोग थे सबको मौत की नींद सुला दिया। उसमें मेरा बड़ा भाई और मेरे पिताजी भी थे, मैं बदला लिया हूँ। तब जज उधम सिंह कहा थका, का कहे गुरुजी? अरे कहा जज डायरू को, अरे हुक्मन है सरकार, भैया जी की तरफ से 50 रुपए का महान पुरस्कार, हंसराजपुर की धरती, हंसराजपुर की बांध धरती से भैया जी की तरफ से 50 रुपए का महान पुरस्कार, 5 के आशीर्वाद के चावा, एक स्वर में सब भैया से नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। उधम सिंह से कहे कि ये उधम सिंह डायर को हुक्म दिया था गोली चलवाने के लिए, तो उधम हंस के कहे जज साहब अगर यहाँ से डायर को हुक्म दिया गया था हमारे भारत में गोली चलवाने के लिए, हमको भी हुक्म मिला है अपना बदला चुकाने के लिए, तो दूसरे बंद में होत का गुरु जी? अरे झुला दिया उधम को फांसी पे, उधम रहा मुश्किल आता हो, अपने कला में कामयाब रहे। लेकिन जब उधम सिंह को फांसी पे लटका देते हैं, फांसी पे लटकते हुए उधम सिंह मुस्कुराता रहा और मुस्कुरा करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के उसको फांसी पे लटका दिया। लेकिन लास्ट में अपने गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना था गुरु स्वामी गुरु बिहारी।